ये देखिए मैम, भैया बहुत गर्मी हो रही है, वो टिश्यू पेपर दो ना। हाँ हाँ हेलो। अच्छा भैया मुझे इसके फीचर्स बताओ ना। पावरफुल इंजन है मैडम, जीरो से 110 सेकंड में लॉन्च हो जाती है। अरे भैया कोई रॉकेट थोड़ी है जो लॉन्च हो जाती है, है तो कार ही ना। अच्छा आप राइट से ले लो, इंडिया गेट से होके जाएंगे। अबे क्या देख रहा है, कभी कोई लड़की नहीं देखी या गाड़ी में कोई लड़की नहीं देखी? चीप पीपल। वाव गाड़ी देख के तो इतनी भीड़ जमा हो गई, जैसे कोई सेलिब्रिटी उतर रहा हो गाड़ी से। क्यों मैडम कैसी लगी कार? है ना एकदम पावरफुल परफॉर्मेंस। तो ऑफिस चले, डील फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तो बहुत अच्छी रही ना। एक्चुअली क्या है ना, ये कार ना इस गली के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन मैडम गाड़ी चूज करते वक्त आपको नहीं पता था कि गाड़ी आपकी गली में घुसेगी या नहीं घुसेगी? पता था, लेकिन अगर पहले मैं आपको ये सब बताती तो आप यहाँ तक आते क्या? मैं तो बस फिरकी ले रही थी। एक्चुअली क्या है ना, अभी ना तो ये कार मेरे लायक है और ना मैं इसके लायक हूँ। जिस दिन हम एक दूसरे के लायक हो जाएंगे ना, उस दिन मैं आप ही से ये कार लूंगी पक्का। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो ये देखिए, आपने जो जो मुझे इस कार के बारे में डिटेल्स बताई है ना, मैंने सब नोट किया है। ये देखो, 0 to 100 10 सेकंड्स, माइलेज 18 किलोमीटर पर लीटर, अलॉय व्हील्स एंड एवरीथिंग। पर क्या है ना, अभी मेरे लाइफ के व्हील्स में ना थोड़ा जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं अभी तो ये कार अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी ना टेस्ट ड्राइव की खुशी में ये लीजिए, जिस दिन गाड़ी लूंगी ना उस दिन तो पक्का प्योर देसी घी के लड्डू आपको खिलाऊंगी। अरे लीजिए ना, थैंक यू। सच्ची तू मिली जैसी से? और मामा आप मुझे बता रहे थे ना कि जैसी की शादी बहुत बड़े घर में हुई है। हा? वो घर और कोई नहीं, मलिक वालों का ही तो है। मलिक वालों का? हाँ। पर ना एक सैड न्यूज भी है। जस्सी का एक्सीडेंट हो गया था, बेचारी व्हीलचेयर पे ही है, चल ही नहीं पाती बेचारी। लेकिन उसने तुझे पहचाना कैसे? उसने नहीं, मैंने पहचाना उसको पहले। तुझसे मिलकर वो कितनी खुश हुई होगी ना? हाँ हुई, पर मैं ज्यादा खुश थी। चल अच्छा है तू जस्सी से मिल ली, अब ना उससे थोड़ी सी समझ भी पा ले। समझ पा लूं? कैसी समझ? यही कि उसकी शादी उस घर में कैसे हुई। अरे अब जब जस्सी की शादी उस घर में हो सकती है तो तेरी क्यों नहीं हो सकती? अरे मम्मा शादी है कोई कंपटीशन थोड़ी, जो उसकी हो गई तो मेरी भी होनी चाहिए। मेरी तो जब से मैं जॉब लगी है आपकी तो सुई बस वहीं अटकी हुई है। अरे फूलन देवी जी छोड़ो ना, तुम कब से एक ही रट लगा के बैठी हो। हाँ हाँ रट तो मैंने लगा के रखी हुई है ना, तुम मत मान मेरी बात। तू एक काम कर, तू ना उस इंश्योरेंस एजेंट से शादी कर ले जो तेरे पापा ने ढूंढा था, फिर रहना रानी बन के 4x4 square foot के महल में। तुम्हारी बातें कितनी कड़वी हैं। सच ज्यादातर कड़वा ही होता है। ना ना मुझे लगा था तुमने इतना कड़वा भरता खाया इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। भरता करेले का है इसीलिए कड़वा है। जिस तरह 4x4 square foot का मकान महल नहीं बन सकता, उसी तरह से ये करेले का भरता भी ना मीठा नहीं हो सकता। और आप जरा चुप ही रहिए। हम तो चुप ही हैं। रोटी दे। भाई आज तो बैंड बज गई और नहीं भागा जा रहा अब। हाँ यार आज तो सीरियसली हालत खराब हो गई। ला शिकंजी दे। अरे कुणाल
क्या नाटक है कुणाल, सारी शिकंजी पी गया और वह मैं बात कर रहा हूँ तुमसे और तू लड़कियों को ताड़ रहा है। हाँ ये सही है भाई आपका, नहीं आपको तो बंदी मिल गई ना, पर मेरा क्या, अरे मुझ गरीब की जिंदगी में दूर दूर तक एक भी लड़की नहीं है, ये अच्छा है। मम्मा हा? मुझे तो दूर दूर तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब मैंने कल आपको बताया नहीं, तुषार सर की शादी तय हो रही है। क्या शादी हो गई है? हो रही है। तुझे कैसे पता? वो मैनेजर है ना तुषार सर का, कुणाल। हाँ मैंने उसको बात करते हुए सुना सर से। क्या बोल रहा था? यही कि रिश्ता आया है लेकिन किसी भी हालत में शादी को होने से रोकना होगा। तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना, जब तुषार को खुद ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अरे सिग्नल है, अच्छा सिग्नल है कि तुझे ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। अरे मम्मा ट्रैफिक पुलिस थोड़ी हूँ जो सिग्नल के बारे में सोचूंगी। अच्छा ठीक है, पर मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये मौका तेरे पास खुद ब खुद चल के आया है, वरना तू बता पूरी दिल्ली में तू क्या उनके यहाँ जॉब कर रही होती? नहीं ना। अरे भाई जब जस्सी की शादी उस घर में हो सकती है तो तेरी क्यों नहीं हो सकती? उल्टा तुझे तो ये करना चाहिए, तुझे ये देखना है कि तुषार को क्या पसंद है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है। अरे जान पहचान बढ़ा, ताल्लुकात बढ़ा, समझने की कोशिश कर उसको और देखना कि तुम दोनों कैसे करीब आते हो। ओ भैया यहीं पे रोक देना, मैं यहीं उतर जाऊंगी। अच्छा सुन तू ना ध्यान से जाइए और तुषार से बात कर लियो, ठीक है? चल बाय। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। वो मेरी लाजपत नगर से चुन्नी ले आना ढाई वाले से। अच्छा वो हरी वाली? हाँ हाँ ठीक है ले आओ, ध्यान से जाना। चलो भाई लेके जाना इसको। शायद मम्मा सही कह रहे हैं, मुझे एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए, अगर मेरी भी उसी घर में शादी हो गई। फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेजती हूँ जान पहचान बढ़ाने के लिए। तुषार मलिक। देखो तो तुषार सर ने फोटो कौन सी लगाई है। सही है भाई आपका, दद्दू की बात टाल नहीं सकते, पारुल को मना नहीं कर सकते और अनोखी को सच बता नहीं सकते। भाई एक मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया है, हम दोनों अनोखी को ये बोलेंगे कि आप मेरा मतलब मैं यानी उसके तुषार सर वो शादी नहीं करना चाहते, दद्दू ये सब जबरदस्ती करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो आपकी की आपकी मेरी यानी तुषार सर की गर्लफ्रेंड बन जाए। पागल हो गया कि कुणाल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं तुझे अभी बोल रहा हूँ ये सब रहने दे तू। अरे हम कर सकते हैं भाई। नहीं कुणाल। भाई सुनो तो सही, व्हाट द हेल, ये मैनेजर की तो हद है यार, पीछे पड़ा है सर के, यहाँ भी साथ में। अनोखी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। भाई ये फ्रेंड रिक्वेस्ट तुषार को है यानी कि मुझे, आपको नहीं। अरे 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 हाँ अरे भाई अगर उसने कुणाल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो यानी आपको। मैनेजर को भी कर देती हूँ, थोड़ा वियर्ड है पर ठीक है, फिर उसने मुझे जल्दी भी तो जाने दिया था। अरे बाप रे ये तो इजी गोइंग से भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इनके बीच में कुछ दोस्ताना तो नहीं? शायद इसीलिए कल तुषार से शादी से मना कर रहे थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुषार सर देखने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, ये पक्का तुषार सर का बहुत बड़ा चम्मच होगा, ऐसे भी दिल्ली में चेक लोगों की कमी थोड़ी है। आई मीन प्रोफाइल पिक्चर तक सेम। अच्छा थैंक गॉड भाई कि हम दोनों की प्रोफाइल पिक्चर सेम है।
अलग अलग होती तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम। वैसे भाई आज आप दद्दू को पारुल के लिए मना कर दोगे ना, क्योंकि आपकी पारुल से शादी दद्दू के लिए बस एक बिजनेस डील, नथिंग मोर देन दैट। जी दद्दू। ओए दद्दू के बच्चे, तुझे पता चल गया है ना, इसीलिए तू फेर गायब हो गया। मैं समझा नहीं दद्दू, हम बस जॉगिंग कर रहे थे, घर ही आ रहे अभी। अरे जो भी हो तू छेती आ। जयपुर से मेरा दोस्त रोड़ा आ रहा है, आ जी। तुझे मेरे साथ उससे मिलने चलना है नाश्ते पर, हाँ समझ गया ना डंगर। जी जी दद्दू। क्या हुआ? पारुल और उसके दादाजी आ रहे हैं आज ही। क्या? अरे बाप रे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।